नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। बुंडू पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी अच्छे कर्मठ शिक्षित व्यक्ति हैं और 2016 से श्रमिक मित्र के रूप में निशुल्क सेवा गांव को और गरीब परिवारों को देती आ रही हैं। मंजू देवी ने वादा किया था कि इस वर्ष भी मुझे मुखिया के पावर में आने के बाद गरीब परिवार के हर व्यक्ति को राशन कार्ड, हरा कार्ड, वृद्धा पेंशन, जो हमारे गांव में छोटे बड़े काम जो अभी तक पीछे हैं उसको आगे लाने का काम करूंगी और जैसे 2016 से निशुल्क सेवा दी हूं वैसे ही आगे भी देती आऊंगी। मुखिया पद में आए हैं, गांव वालों ने क्या सोचे थे? मैं मुखिया पद में इसलिए आई हूं कि मैं सबसे पहले जो छोटा काम मेरा पंचायत में जो अधूरा है, मैं सबसे पहले उस अधूरा काम को पूरा करना चाहती हूं। सबसे पहले है मेरा अधूरा काम है कि पंचायत का मेरा भसा पूरा है, मैं उसको सबसे पहले नंबर वन पर बनाना चाहती हूं। दूसरा भी है कि मैं जितने भी मैं अदर फंड से लाकर जिला से, सचिवालय से और लाकर अपने गांव को विकास करना चाहती हूँ। ये सही पंचायती राज में जो फंड आता है और मुख्य लोग सब इसी को इंतजार करते रहता है और फिर मेरा 500 निकल जाता है। मेरा किसी तरह से काम सब पढ़ाना चाहता हूँ और बच्चों को भी विकास नहीं हो पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है मेरा गाँव का विकास। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपना मुख्य में आने के बाद में मैं अपना गाँव का और सच्ची और ईमानदारी से मैं सेवा नियुक्त करूँ और मजदूरों के भी पहले से मुखिया से मैं हट के विकास करना चाहती हूँ ताकि मेरा गांव का भी पंचायत में नंबर वन पर नाम हो। और जो भी लेडीज के साथ जहाँ माता जो शोषण हो उसके लिए क्या सोचा है? उसके लिए मैं सोचना चाहती हूँ कि जो लेडीज के साथ जो शोषण होता है उसके लिए मैं जागरूक करना चाहूँगी और सरकारी जो फंडिंग होता है, जो सरकारी हक है एक लेडीज के लिए, उसके लिए मैं जागरूक करना चाहूँगी। आपका नाम क्या हुआ?